डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब इसके बारे में बात की थी और मैंने इसकी जानकारी भी ली और वो कागजात भी देखे, तो मुझे उसमें जो बातें दिखाई पड़ी, उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है ब्रिटिश सिटीजन है वे, तो जब मैंने देखा तो उन्होंने इस बात के लिए मांग भी उठाई थी कि इसकी पुष्टि की जाए। तो जब पार्लियामेंट में मैं इस बारे में जानकारी ली तो वहां पर वो सत्यता नहीं थी जो उन्होंने उन कागजातों में लिखी थी, तो मुझे लगा कि ये गलत है, क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश पर इतने सालों राज किया और उसी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी और सांसद हैं, एक बार नहीं पहले भी सांसद रहे हैं, तो जब कोई अपना वचन पत्र भरता है सांसद होने के वक्त, जब इलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म होता है, तो उसमें वह कसम भी खाते हैं, हम शपथ भी खाते हैं और उसमें पूरा सत्य लिखते हैं। तो जब हम वहां पर भारत के नागरिक हैं ये लिखते हैं, और एक तरफ एक कंपनी में जब इंग्लैंड में उनका कोई कंपनी उन्होंने खोला था, उसके बैकऑप लिमिटेड करके, तो उसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता बताई थी, तो ये दोहरी नागरिकता लिखने की वजह क्या थी? और ऐसा है तो उन्होंने भारत के संविधान के अंदर जो आता है उसके तहत हमारा इलेक्शन कमीशन का फॉर्म आता है, उसमें उन्होंने छुपाया क्यों उस बात को? और यदि वे वहां के नागरिक हैं या यहाँ के नागरिक हैं, इस सत्य को बाहर लाना बहुत जरूरी है। इसकी मांग मैंने हमारी स्पीकर मैडम है सुमित्रा महाजन जी, उनको पत्र लिख करके कहा कि ये भारत देश के नागरिकों का हक है जानना कि उनके जो सांसद हैं वह ब्रिटिश के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं, और यदि उसमें कोई असत्य बात पाई जाती है तो उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए और उनका संसद होने का जो अधिकार है वो भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो देश के साथ धोखा है। और स्वामी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उसकी जो पूरी रिपोर्ट बनाई थी और अपील की थी उसके लिए संसद में, उसके लिए फिर एक सांसद होने के नाते मैंने वो चिट्ठी लिख करके उसमें साथ दिया है।